दोस्तों, अगर आप लोगों से कोई भी फेसबुक पेज गलती से बन गया है और आप अपने पेज को हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हो तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज की इस वीडियो में मैं जो भी तरीका बताने वाला हूं, अगर आप उस तरीके से अपना फेसबुक पेज को डिलीट करते हो तो आपका जो फेसबुक पेज रहेगा लाइफ टाइम के लिए वो कोई भी नहीं देख पाएगा, ना ही तो आप खुद देख पाओगे। तो अगर आपको भी ऐसा ही फेसबुक पेज डिलीट करना है ताकि हमारा पेज कभी भी कोई ना देख पाए तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट सिखा दूंगा कि आप लोगों को फेसबुक पेज को डिलीट कैसे करना है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर दोस्तों आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहां पर ऐसी ही अच्छी अच्छी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहती हैं। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूं। दोस्तों, यहां पर सबसे पहले आपको अपना फेसबुक को ओपन करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप अपने फेसबुक को ओपन करोगे, यहां पर आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों, यहां पर आपको क्या करना है, ऊपर साइड में आपको 3 लाइन देखने को मिलेंगी। आपको इस 3 लाइन पर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहां पर सबसे पहले आपको अपनी आईडी से फेसबुक पेज को लगाना होगा। अभी मेरी फेसबुक की आईडी लगी हुई है, तो आपको यहां पर फेसबुक पेज लगाना होगा। लगाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, ऊपर की साइड में यहां पर ये वाला ऑप्शन मिलेगा एक तीर का, आपको इस तीर बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप तीर वाले पर क्लिक कर देंगे, यहां पर दोस्तों आपके जितने भी पेज होंगे सभी पेज आपके सामने शो कर जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना एक कोई भी पेज सेलेक्ट कर लेना है जिस पेज को आपको डिलीट करना है। तो मैं यहाँ पर ये वाला पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद बिल्कुल जैसी आपकी आईडी होती है वैसा ही आपका पेज देखने को मिलेगा। अब आपको फिर से आपको ऊपर 3 लाइन पे ही क्लिक करना है, ये वाली, ठीक है। तो आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे नीचे जाना है। जाने के बाद दोस्तों नीचे एक ऑप्शन आएगा दोस्तों सेटिंग एंड प्राइवेसी का, सबसे नीचे आप देख लीजिए, ठीक है, ये वाला, आपको इस पे दोस्तों क्लिक कर देना है। जैसे ही आप दोस्तों इस पे क्लिक कर दोगे, फिर से एक सामने आपके सामने ऑप्शन आएगा सेटिंग का, आपको इस सेटिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेटिंग पे दोस्तों क्लिक कर दोगे ना, आपके सामने पेज की पूरी सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है जहाँ पे लिखा हुआ है पेज सेटिंग, ये वाला, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे दोस्तों क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको थोड़ा सा इस तरह से स्क्रॉल करके नीचे जाना है, ठीक है। जब आप स्क्रॉल करके नीचे जाओगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेस एंड कंट्रोल। यहाँ पे देख लीजिए, आपके सामने ये वाला ऑप्शन खुल के आ जाएगा एक्सेस एंड कंट्रोल। तो आपको दोस्तों इस पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। एंड यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये वाली देख रही है आपकी वेबसाइट, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे। पहला ऑप्शन आएगा डीएक्टिवेट पेज। अगर दोस्तों आप लोग अपना डीएक्टिवेट करना चाहते हो फेसबुक पेज को, तो ऊपर वाला सेलेक्ट करना है। और अगर आप लोग अपने पेज को हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे नीचे जहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डिलीट पेज, आपको इस पेज सेलेक्ट कर देना है। करने के बाद दोस्तों आपको कंटिन्यू पे नीचे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे दोस्तों क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको फिर से एक बार कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। एंड फिर से आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, एंड फिर से कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, फिर से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जब कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा भाई साहब इंटर पासवर्ड का, आपकी आईडी का जो भी पासवर्ड है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल देना है। तो मैं यहाँ पर अपनी आईडी का पासवर्ड डाल देता हूँ। दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपनी आईडी का पासवर्ड डाल दिया है। डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा डिलीट पेज का, आपको यहाँ पर एक बार कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा, एंड यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा डिलीट पेज का। डिलीट पेज पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों सक्सेसफुली यहाँ पर आप देखते हो मेरा फेसबुक पेज डिलीट हो चुका है। अब मैं आपको 3 लाइन पे क्लिक करके दोबारा से दिखा देता हूँ, जो मेरा वो पेज था भी यहाँ पे आपके सामने शो
नहीं कर रहा होगा, तो इसका मतलब यह है कि मेरा सक्सेसफुली फेसबुक पेज डिलीट हो चुका है। तो आप लोग भी दोस्तों इसी तरह से अपना फेसबुक पेज को हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको यहां पर ऐसी ही अच्छी अच्छी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहती हैं। तो गाइस चलिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।